हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। अनुवर्तनम् प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट। माता जी लोगों में से कोई है? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि ओके ठीक है। और कोई माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर 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 एव च क्षर सक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविपुरुषो लोके क्षर क्षरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। ओके। और कोई? सोनाक्षी माता जी, श्रेया माता जी, they both are not in class. श्रेया नायक माता जी,
चांदनी माता जी पढ़ेंगे। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात नहीं पर हम लोग इसके अनुवाद को कल देख ही लिए थे। ये श्लोक बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसे क्या कहा जाता है, त्रिश्लोकी शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर असाधारण से था। द्वाविमो पुरुषोलोके, इस संसार में कितने प्रकार के पुरुष रहते हैं, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षरा अक्षरा ये वचा, मतलब क्षरा अक्षरा ये वचा मतलब क्या हुआ, क्षर जो परिवर्तनशील होता है, अक्षरा मतलब जो परिवर्तनशील नहीं होता। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। और क्षरा सर्वाणि भूतानि, इस जगत में जितने भी जीव हैं वह क्या है, क्षर है। क्षर क्यों है, परिवर्तनशील। अकुटस्थ तो अक्षर उच्यते, मतलब जो जो अपरिवर्तनशील है, और अक्षर मतलब नित्य मुक्त जीव। ठीक है, तो गीता भूषण टीका हम लोग कल देख ही लिए थे, आज हम लोग डायरेक्ट तात्पर्य शुरू करते हैं। यस जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा च्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। च्युत मतलब जो भगवान से, अब यहाँ पे जो अर्थ लिया जा रहा है, जो च्युत मतलब जो भगवान से अपने संबंध को भूल गया है, राइट। और अच्युत मतलब जो भगवान से अपने संबंध को क्या हुआ है, बना हुआ रखा है, यस, जो भगवान से अपने संबंध को नहीं भूला है। तो दो प्रकार के जीव, च्युत मतलब जो भूल गया है, और अच्युत मतलब जो नहीं भूला है। तो ये ठीक है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, भुंजे सेवा सुख, उनको पार्षद कहते हैं, और वह भगवान की सेवा के सुख को नित्य। ठीक है, भक्ति में इंजॉयमेंट मना नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति का दुख भोगना नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही सुख मान रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या है, वह दुख है। कोई भी, अब एक चीज में मेरे मन में विचार आ रहा था कि भाई कोई भी चीज, कोई भी सेंस जो है हमारा, उसका क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हैं तो वह क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है ना। कोई भी सेंसेस का आप यूज कर रहे हैं, क्षय हो रहा है। जैसे आंख से हम लोग कोई चीज बहुत देर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, आंख की रोशनी धीरे धीरे खत्म, धीरे 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 करके दांत सारे टूट जाते हैं, समझ रहे हैं, सेंसेस क्षय हो रहा है, यूज करने से क्षय हो रहा है। तो जो भौतिक जीव है वह क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति का दुख भोग रहा है, और जो आध्यात्मिक जीव है वह क्या कर रहा है, वह कृष्ण की सेवा का सुख भोग। ठीक है, तो यह सब सुनकर के हमारे मन में विचार आना चाहिए कि हम भगवान के धाम जा सके, भगवान की सेवा कर सके। जैसे इस संसार में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, मान लो आपके स्कूल में बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, DC आता है ना, तो DC के आजू बाजू दो चार लोग रहते हैं ना, या फिर प्रधानमंत्री आवे तो प्रधानमंत्री के आजू बाजू भी चार पांच लोग रहते हैं ना, इच्छा होती है ना, चलो भाई प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम आजू बाजू वाले तो बन जाए, होती है ना इच्छा, देखो क्या वैल्यू है इसकी, होती है कि नहीं, कितनी पूछ होती है उसकी। वैसे ही भगवान के पार्षद बनने की इच्छा व्यक्ति को होना चाहिए। यस तात्पर्य बता रहे हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया है। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की
उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ तक क्या ये तो पढ़िए, आगे बढ़ेगा क्या? भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप, क्या संक्षेप है, क्या सार संक्षेप दिया है भगवान ने यहाँ पे, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बता सकते हैं क्या सार संक्षेप दिया है भगवान ने वेदांत का यहाँ पे? ये वेदांत का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। ठीक है, हमने तीन चीज बताया था, कौन बता सकता है? अक्षर भगवान के बारे में बताया प्रभु जी, बता लगाओ। तीन विषय हमने क्या क्या बताए थे कल? हाँ, भगवान कृष्ण और एक जो भगवान के लोक में निवास करते हैं, नित्य मुक्त जीव। हाँ, नित्य मुक्त जीव, बद्ध जीव और जो एक भगवान के क्या, भगवान कृष्ण, भगवान स्वयं, भगवान स्वयं। ठीक है, क्या सार संक्षेप है यहाँ भगवान दे रहे हैं? विदों का वेदांत का उद्देश्य क्या है? जीव अपने बारे में जाने, नित्य मुक्त जीव कौन है वह जाने, बद्ध जीव कौन है वह जाने, और भगवान श्री यस। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। च्युत मतलब क्या हमने कल बताया था? भगवान से अपने संबंध भूल गया हो। और अच्युत मतलब क्या बताया था? अस्पताल अभी थोड़ी देर पहले बताया, कहाँ रहता है ध्यान? अच्युत का क्या अर्थ वो बताओ। जो अपनी स्थिति से ना गिरे प्रभु जी और भगवान को कभी मिले ना। Yes, जो अपने संबंध को भगवान से हमेशा याद रखता है वह अच्युत। Yes. जीव भगवान के सनातन पृथकृत अंश विविनांश हैं। Yes, ये चीज जानते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से हम लोग कट 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 होकर के बने हैं और फिर भगवान में मिल जाएंगे। नहीं, जीव हमेशा है, भगवान है और उनकी इंडिविजुअलिटी रहेगी। जीव की जो इंडिविजुअलिटी है वह कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये चीज आप लोग जानते हैं ना, जीव की इंडिविजुअलिटी कभी खत्म होगी नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व बना ही रहेगा। भगवान हमेशा रहते हैं, जीव हमेशा रहता है। अब देखिए, उसकी इंडिविजुअलिटी बद्ध अवस्था में भी बनी रहेगी और मुक्त अवस्था में भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु जी अभी हम लोग अलग हैं क्योंकि बद्ध जीव है, बद्ध अवस्था में है, लेकिन जैसे मुक्त हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। नहीं, उस समय भी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी। मन में यह प्रश्न हो सके, प्रभु ये बात आप कई बार समझाए और बार बार क्यों इस बात को रिपीट करते हैं? क्योंकि इसके विपरीत बहुत सारे लोग एक असामाजिक तत्व को फैला रहे हैं। क्या? कि भगवान में जाकर के भगवान से कट हो गया है। नहीं, ध्यान रखिए, यह एक गलत सिद्धांत है, मनगढ़ंत सिद्धांत। ठीक है, भगवान से व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग, इंडिविजुअलिटी है और इंडिविजुअलिटी रहेगी। ठीक है, जीव वैकुंठ में भी अलग है। यस, जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहां पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो भगवान से अपने को
संबंध भुला हुआ है वह क्या है, कौन सा जीव है? बद्ध जीव। हाँ बोलिए, बद्ध जीव। जो बद्ध जीव है, जो भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है वह क्या है? च्यूत है जीव। यस च्यूत, यस यस यस। आगे बढ़िए। जी प्रभु, यहाँ पर लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व मतलब क्या? उनकी अभिलाषिता शून्य, मतलब जीव जो हमारे हम भक्त हैं उनकी अभिलाषिता शून्य है ना, वह एक व्यक्ति है। देखिए अब एकत्व का अर्थ यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि मिल जाएंगे। एकत्व का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा को कृष्ण के इच्छा के अनुसार से कर लेना, कृष्ण की सेवा छोड़ करके उनकी कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि वो अपने अस्तित्व खो देते हैं। क्या हम अपना अस्तित्व खो देते हैं? क्या हम भगवान से एक हो जाते हैं? नहीं। और फिर पूछा जाए क्या हम अपना अस्तित्व खो देते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं? हाँ, लेकिन किस दृष्टि से? तो इच्छा की दृष्टि से। कृष्ण चाहते हैं कि हम अब उनकी सेवा करें, प्रेममय सेवा करें, और जीव भी केवल सेवा ही करना चाहता है। एकत्व है लेकिन एकत्व व्यक्तित्व का नहीं है, एकत्व विचारों का और इच्छाओं का है, एकत्व सेवा का है। समझ में रहे? एकत्व सेवा और इच्छा की है। ध्यान रहे, यह सब बातें बड़ी गूढ़ है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ में आ रही है, लेकिन है बहुत गूढ़ ये बात। वाटर, ठीक है, समझ रहे ना? ये सब बातें बड़ी गूढ़ है, गोपाल जी की कृपा से हमें समझ में आ रही है बहुत गूढ़ समझ में नहीं आती है ना। जनरली आप जा करके बाहर एक आध जगह वैसे ट्राई करके देखना, आप पूछना एकत्व मतलब क्या, वही करके प्रभु से मिल जाओ, परमात्मा में आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ये सब बातें चल रही है। लेकिन जनरली अब इंडिविजुअल वो बनी ही रहती है, वो कभी खत्म। यस, एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह दोनों में भिन्नता नहीं है, वे सब सृजन के प्रयोजन को करते हैं। दोनों में भिन्नता, दोनों सच्चिदानंद हो जाता है, भगवान तो है ही, भगवान तो है ही सच्चिदानंद, और जीव को भी उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त करता है। ब्रह्म होकर के ब्रह्म से देखता है, ब्रह्म से सुनता है, और सब उनको आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आध्यात्मिक चिन्मय इंद्रियां प्राप्त हो जाती है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भावों के स्रोत हैं, अतः यहाँ पर इस विचारधारा की बात की गई है। भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। देखिए, जीव भगवान के साथ ही शाश्वत है, समझना पड़ेगा आपको। जीव जो है भगवान के साथ ही शाश्वत है। शाश्वत मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है, ठीक है। जीव भगवान की तरह ही क्या है? शाश्वत है, अनादि है। इसीलिए आप जीव की सृष्टि की बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जीव की सत्ता भगवान पर आश्रित है, और सभी की और जितने भी चीज है सबकी सत्ता भगवान के ऊपर आश्रित है, इसलिए बोला जाता है कि भगवान से आया। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि किस समय आया। समझ में आया?
जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं जीव की सृष्टि भगवान कर, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है, भगवान जीव से आए, ठीक है, लेकिन इसकी सृष्टि शाश्वत है। कब आए ये बात आप नहीं बता सकते। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कितना अद्भुत है ना, थोड़ा समझना होगा। वेद की वाणी जो है, शास्त्र की जो वाणी, वह क्या अपौरुषेय है, क्या है अपौरुषेय है, अच्युत है ना, मतलब वह जो ज्ञान दिया जा रहा है वह हम अपनी इंद्रियों से इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें जैसे आध्यात्मिक जगत के बारे में है ना, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्या आध्यात्मिक जगत आपने देखा है, या अन्य बहुत सारी बातें आप जानते हैं, अगर आप प्रवचन करने जाएंगे बाहर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यह सब प्रश्न वास्तव में यह सिद्ध करता है कि उस व्यक्ति का वेद पे पुराण पर विश्वास नहीं, और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हृदय अशुद्ध है, हृदय में कुछ पाप है, इसलिए भगवद गीता पर भागवतम पर विश्वास नहीं। तो वेद की बात को हमको यथावत स्वीकार करना, भले हम उसको नहीं समझ पा रहे, नहीं तो हम आध्यात्मिक जगत का क्या प्रमाण देंगे बताइए। कोई अगर पूछे कि भाई आध्यात्मिक जगत है, आप गए हैं वहां पर, तो क्या प्रमाण देंगे। इस पर परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बहुत सुंदर एक उदाहरण, बहुत सुंदर। आप सोचिए ना, अगर आपसे पूछा जाए, अरे आप बोल रहे हैं वैकुंठ, क्या आपके पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है, व्हाट इज द प्रूफ यू हैव, बताइए भगवान कृष्ण है, क्या प्रूफ है आपके पास, हम क्या बोल सकते हैं। एक ही तरीका है और वह है वेद, क्या है वेद, शास्त्र, श्रुति है ना, श्रुति प्रमाण है, और भक्ति करने से हृदय में खुद ब खुद इसका प्रभाव, इसका विश्वास हो जाता है। अब देखिए ऊपर परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। एक बार वह बंगाल में कथा कर रहे थे, भागवत कथा थी, भागवत कथा किए और कथा खत्म होने के बाद जब वह रूम पे आए तो एक लड़का आया, एक स्टूडेंट आया, महाराज को कोई आकर के सूचना दिया कि महाराज एक किसी इधर बगल के कॉलेज का एक लड़का है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। महाराज ने बोला ठीक है, भेज दो, हमें क्या दिक्कत है, मिल लेता हूँ। आया महाराज, उसके हरकतों का वर्णन करते हैं कि वो लड़का बड़ा अद्भुत था। बोले महाराज, कुछ व्यक्ति उससे मिले थे तो वो व्यक्ति उनको बोले कि महाराज बोले उनको कि ठीक है अभी भेज दो। बोले नहीं महाराज, वो अकेले में मिलना चाहता है। मिलना चाहता है, क्या बात है। बोले ठीक है, बोला जब पूरे सब लोग चले गए तो आया, आया तो मैं वो पूछता, महाराज गेट बंद कर दें, क्या बात है गेट क्यों बंद कर रहा है, ठीक है बंद कर दो बंद। अब वहां पर भगवद गीता रखी हुई, अब भगवद गीता का रख करके वह महाराज के पास लेकर, अब बोले कि इसको छू करके बोलिए कि आप जो बोलिएगा सत्य बोलिए। हाँ मैं तो सत्य ही बोलूंगा, इसमें क्या है। बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है, पूछो क्या प्रश्न है। महाराज क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है। महाराज कहते हैं कि जब यही बात पूछना था तो इतना ड्रामा क्यों किए, अकेले में जाएंगे, रूम बंद कर दिए, भगवत गीता ले आए, क्यों ये ड्रामा किए। बोले महाराज हम अकेले पूछा, वो पहले पूछे बहुत सारे, महाराज पूरा वर्णन किए, मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है, बहुत सुंदर है। महाराज आप बोलिए, जो बोलिएगा सत सत बोलिएगा, बहुत कुछ कुछ बताया महाराज ने। तो बोले हाँ, महाराज से पूछा गया, पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा है। महाराज ने कहा, बोला क्या आपने साक्षात्कार किया है, डायरेक्टली भगवान को देखा है। महाराज ने कहा, बोले अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछू, पूछिए। ये बहुत पहले की घटना है महाराज, आई थिंक नियर बाय 2000 2004 6 समथिंग। तो महाराज बोले क्या तुम क्रिकेट देखने गए हो, कभी कमेंट्री सुने हो, कमेंट्री होती है ना। बोला हाँ।
कमेंट्री कैसे सुन, रेडियो में लगा देते हैं, कान के पास रखते हैं, सुनाए। अच्छा, जो कमेंट्री में बोला जाता है वह मनगढ़ंत होता है कि वो कहीं से देख के वह लड़का बोलता, नहीं वो तो वहां देख रहा होता है, वहां बैठा रहता है व्यक्ति और बोलते रहता है, उसके पर विश्वास कैसे करते हो? तो देखने तो गए नहीं, लेकिन सुन करके विश्वास कर रहे हो कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हमने भी मतलब कमेंट्री सुन लिया तो मतलब मैच देख लिया, है ना? इसी प्रकार से हमने भी आचार्य प्रपात की वाणी गुस्सा प्रकार से हम लड़का एकदम कन्वेंस हो गया। महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, मैं आप लोगों को ऑडियो भेजूंगा, बहुत अद्भुत तरीके, समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है प्रकार से। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है समझने का। और क्या ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या आप करेंगे, कैसे समझेंगे? और व्यक्ति की बुद्धि देखिए इतनी बेकार हो गई है कि भाई सब चीज पर विश्वास कर लेंगे, हाँ पृथ्वी ऐसी है, टेढ़ी है, ये है वो है, सारी चीजों पे विश्वास कर लेंगे। किसने लिखा तो एक थर्ड क्लास के व्यक्ति ने लिखा, विश्वास कर लेंगे। लेकिन भगवान है और इस प्रकार से है, यह भगवान स्वयं बता रहे हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो, समझ रहे हैं ना? तो ये उनकी मानसिकता है एक खराब लेवल, ओके। लेकिन समझना चाहिए भगवान है और शास्त्र इसका प्रमाण है। यस, इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। है ना, हमने सुना था मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, क्या था मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि, क्या था श्लोक? अभी देखो ये हमारा स्वभाव है प्रभु जी, थोड़ी देर पहले पढ़ा अब भूल गया। हाँ, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति, यही है ना सातवां श्लोक? अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। मन सृष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती, तुरंत भूल गए, ये हमारा जीव का स्वरूप बद्ध जीव। तो क्या कह रहे हैं, जीव इंद्रियों को क्या कर रहा है, घसीट रहा है, कैसे? एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, लगातार खींचते। यस, जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते रहते बदलते प्रतीत होते हैं। समझ रहे हैं कितना सुंदर है, अर्थ बहुत मोटा लग रहा है, तुरंत शरीर को देख रहा है, मुझे काम मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत पतला लग रहा हूँ। तो क्या है, यह शरीर का परिवर्तन है, हमारा नहीं, समझ रहे हैं? शरीर के परिवर्तन से आपका कोई मतलब है, मोटा हो या पतला हो इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? पड़ता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना? मर गए वह मर गया, या बूढ़ा हो गया हम बूढ़ा हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए ना, बुढ़ापे को भी आने से रोक नहीं सकते, झुर्रियों को भी, जो स्किन हमारा इधर उधर हो जाता है उसको भी हम नहीं रोक सकते, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। बोलते हैं प्रभु जी बहुत बूढ़े हो गए फिर भी देखो कितना टाइट है, स्ट्रांग है, उसकी झुर्रियां खत्म नहीं हुई है, उसको खींच करके इधर उधर करके इधर लगा दिए उधर लगा दिए, लेकिन झुर्रियां हैं ही शरीर पे, समझ रहे हैं? तो हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। यस, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है। यहाँ पे जीव का मतलब क्या है, जीवात्मा नहीं शरीर, सॉरी, ये छह परिवर्तनों से गुजरता है, जन्म वृद्धि अस्तित्व प्रजनन क्षय तथा विनाश। यस, ये छह समझ में आ गया, क्लियर है? ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहां न जरा है न जन्म न मृत्यु, वे सब एकावस्था में रहते हैं।
मतलब एक जैसा रहना है, समझ रहे हैं, एक अवस्था में रहते हैं। मतलब अगर हर्ष का एज वहाँ पे 5 ईयर्स है भगवान की सेवा में, भगवान के साथ खेलने वाले फ्रेंड्स हैं, बस वैसा ही है, अब वैसे ही रहने वाले, चेंज ही नहीं होने वाला है कभी, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है आप लोगों को? आश्चर्य की कोई बात नहीं है, हाँ नहीं बदलने वाला। क्षर सर्वानी भूतानी, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है, अतः वे सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। एकावस्था में रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तुमने क्या सीखा इस श्लोक से? लोके मतलब वेद पुराण इत्यादि, जिसमें दो प्रकार का जीवों का वर्णन, कौन सा जीव? तथा अच्युत, नित्य और बद्ध, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, ठीक है। लेकिन ये हमें कहां से पता चलता है? अखबार पढ़ने से, वेद और शास्त्र पढ़ने से। ओके यस, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथा प्रमाण, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्लास बहुत पूर्ण है, आइए। हरे कृष्णा, यथारू की प्रमाण। तो प्रश्न भी है क्या? के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आत्मा के लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर मोटा है, पतला है, छोटा है, क्या फर्क पड़ता है उसको, समझ रहे? इसीलिए और ध्यान रखिए, अगर शरीर बहुत ज्यादा आसक्त हो गए ना, तो फिर क्या होगा? पुनरपी जरना पुनरपी मरना, yes, फिर एक नया गिफ्ट मिलेगा, यू विल गेट अ गुड बॉडी अगेन विथ सो मैनी डिफिकल्टीज, सो मैनी डिजीज, पता नहीं कौन सा मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा शरीर के ऊपर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथारू की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.